दिवाली सफाई का जो भी काम मेरा रहता था फ्रेंड्स, करवा चौथ के नेक्स्ट डे से ही उसको करने में मैं जुट गई थी। तो आज घर की मैंने बहुत सारी सफाई की, लेकिन इस वीडियो में आप सिर्फ बेडरूम की डीप क्लीनिंग देखेंगे। पहले जाले वगैरह सब मैंने झाड़ दिए अच्छे से। पंखा मेरा वैसे ज्यादा गंदा नहीं होता, क्योंकि जब भी मैं बेडशीट चेंज करती हूँ इसको क्लीन कर देती हूँ। इसकी हाइट ज्यादा नहीं है तो पंखा जो है मैं बेड पर चढ़कर मतलब कर देती हूँ। लेकिन इसके देखिए किनारे पर थोड़े से स्पॉट है, आपको दिख रहे होंगे। अब दिवाली की सफाई है तो सब कुछ अच्छे से चमकना चाहिए। तो मैंने सोचा जब अर्बन वाइफ का किचन क्लीनर से एग्जॉस्ट फैन साफ हो सकता है, तो ये तो हमारा पंखा ये क्यों नहीं हो सकता। तो ये मैंने स्प्रे करके और थोड़ी देर छोड़ देते, उसके बाद करके देखो तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया था, बिल्कुल शाइन कर रहा है। उसके बाद जो भी झाड़ने पोछने का मेरा काम था ऊपर का, वो सब मैंने कर दिया। और फिर जो ये हमारी स्लाइडिंग विंडो नहीं है, डोर है ये, हाँ, तो इसका जो ये फ्रेम है ना, इसको साफ करना बहुत मुश्किल लगता है ना। तो पहले मैं तिल्ले वाली झाड़ू से करती हूँ, उसके बाद गीला कपड़ा लेकर इस तरीके से एक एक लाइनिंग को साफ कर देती हूँ। बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाती है। पोछा लगाकर अपने गद्दे को जो है मैंने धूप में डाल दिया। और ये मुझे अपने बेडरूम का सबसे अच्छा पॉइंट लगता है, यहाँ पर ना धूप अच्छी आती है, तो मतलब कि सब कुछ यहाँ पर ही मैं डाल देती हूँ, ताकि गद्दे सब मैंने बाहर डाल दिए। और अब करेंगे हम हमारे जो बेड का हेडबोर्ड है उसे क्लीन। तो गुनगुने पानी में मैंने थोड़ा सा इजी डाला, ज्यादा नहीं डालना वरना तो पूरा जो व्हाइट व्हाइट से दाग आ जाते हैं। और उसके बाद जो है सभी जो भी फोटो मेरी बेडरूम में लगी हुई है, मुझे फोटो का बहुत शौक है, तो वो सब मैंने मतलब क्लीन कर दी है। जो भी लाइट वाइट है वो भी सब अच्छे से साफ कर दिया। उसके बाद दीवारों को भी चमका दिया है, तो दीवारों के लिए भी इस तरीके से ही आप कर सकते हैं जो मैंने बेड साफ करने के लिए किया था। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स फाइनली शाम हो गई थी और फिर जो है मेरा बेडरूम तैयार हो गया। चलिए मिलेंगे एक वीडियो के साथ। बाय।